अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबकी मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग क्या बना रहे हैं, आज हम लोग होममेड आइसक्रीम किस तरीके से बनाई जाती है मैं वो सिखा रही हूँ। ये एक मेथड सिखा रही हूँ, सबसे आसान वाला तरीका सिखा रही हूँ। कई तरीक़ों से बनती है, कुछ अंडों की सफ़ेदी से बनती है, कुछ मतलब हम लोग कुक करके बनाते हैं, कुछ मशीन में रेडी होती है, पर मैं सबसे ईजी वाला जो मेथड है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने क्या करना है इसके लिए, हम लोगों को आपके जी मेरे पास व्हिप क्रीम है और 1 कप मेरे पास मैंगो पल्प है और कंडेंस्ड मिल्क है मेरे पास 1/2 कप है। फ्यू ड्रॉप्स हम लोग वनीला एसेंस यूज़ करेंगे इसमें और ये है स्टेबलाइजर पाउडर। ये देखें, इसमें मैंने गर्म पानी डाल के ना तो इसको मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास है तो आप डालेंगे, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है डालने की, ठीक है। जस्ट मिक्सिंग है इसमें। हम लोगों ने क्या करना है, व्हिप क्रीम ली, ठीक है, मिक्सिंग करते हैं अपने बड़े पर। हाफ के जी मेरे पास व्हिप क्रीम है, व्हिप क्रीम इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, ये देखें आप लोग इसका लुक, इस कंडीशन में मैंने इसको व्हिप किया है, ज़्यादा व्हिप नहीं किया। ऐड करूँगी 1/2 कप मेरे पास कंडेंस मिल्क है। क्रीम पहले से मीठी है मेरी, आप लोग अगर डेरी की क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसमें चीनी मिक्स नहीं होती तो कंडेंस मिल्क आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये वही होममेड कंडेंस मिल्क मैंने रेडी किया हुआ है, ये मैंने 1/2 कप इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हम लोगों ने मिक्स कर ली, मैं इसमें मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने कॉफ़ी आइसक्रीम बनानी है, चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है, तो आप लोग इसमें चॉकलेट चिप ऐड करेंगे थोड़े से और जो है कोको पाउडर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कैरेमल क्रंच आइसक्रीम बनानी है तो कैरेमल आप लोग इसमें ऐड करेंगे, क्रंच ऐड करेंगे, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, कौन सी आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। मैंगो प्यूरी भी डाल देती हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये स्टेबलाइजर पाउडर है, आप लोग ये ना भी डालना चाहिए तो फर्क नहीं पड़ता, इससे ये है कि बहुत फ्लफी सी आइसक्रीम रेडी होती है। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। और थोड़ा सा कलर के लिए, कलर हम लोग आइसक्रीम को थोड़ा सा प्योर कलर, प्योर येलो कलर देना चाह रही हूँ मैं। हल्का सा बीट कर देती हूँ, कलर मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, इसमें आप लोग येलो भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऑरेंज टच दे रही हूँ थोड़ा सा, मतलब डार्क में जा रही हूँ मैं। देखिए इस वक्त कितनी फ्लफी सी है, आप लोग देख रहे हैं इसका टेक्सचर। मैं चाह रही हूँ इसमें थोड़े से मैंगो चंक्स भी ऐड कर लूँ,
मैं इस आइसक्रीम को कुछ अपने ही स्टाइल में रेडी कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं चंक्स नहीं डालूँ, ठीक है। मैंने एक मैंगो के ऊपर से सारा इसको पील ऑफ कर लिया है मैंगो को, और मेरे पास ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास एक ये कार्विंग स्पून है, ठीक है। इससे मैं इसके चंक्स निकालूंगी कुछ इस टाइप से, जैसे रसगुल्ले गुलाब जामुन होते हैं ना, इस टाइप के चंक्स मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये देखें कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें ये स्पून हम लोग इस तरह से इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करते हैं और अपने हाथ को, ये देखें मैं हाथ को किस तरह से घुमा रही हूँ, थोड़ा राउंड में इस तरह से, मतलब राउंड में घुमा दिया हम लोगों ने, ये अंदर इसके एक राउंड रेडी हो गया है। ये देखें ये इसमें डालती जाऊंगी आप लोग के सामने, एक मिनट मैं चाह रही हूँ निकाल के आप लोग को दिखाऊं। असल में ये मैंगो जो है ना, ये मैं आपको अपने हाथ पे ही, ये देखें आप लोग देख रहे हैं गुलाब जामुन रसगुल्ला जैसे होता है उस शेप में, ये मैं सारे चंक्स इतनी आइसक्रीम में ऐड करती हूँ, सारे निकाल के जल्दी जल्दी से। मैं जल्दी से निकाल लूँ सारे। अब हम इसको एयर टाइट बॉक्स लेंगे, ठीक है, उसमें डाल के तो इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए आपको सामने ही इसमें सारा डाल के, थोड़ा सा टैप करूंगी। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर क्रंच भी डाल सकते हैं, वो आप लोगों को अगर पसंद है उसका फ्लेवर तो डाल लें। यहाँ कोई खाता नहीं है, सब नहीं डाल रही। इसको मैं बंद करूंगी और फिर मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने दूसरी फ्रीजर में पहले से रखी हुई है, वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए पहले से तैयार थी, मेरे पास फ्रीजर से मैंने निकाली है। ये देखिए मैं आप लोग को निकाल के भी दिखा दूँ।